आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी स्पेशल हेल्दी पराठा। बाकी सभी पराठों से ये अलग है, ये बहुत हेल्दी होता है। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे निवेदन है कि अगर आप कुक विद पिंकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी पराठा। पराठा बनाने के लिए लेंगे एक चुकंदर, चुकंदर को छील लिया है, गाजर को भी छील लिया, एक गाजर और एक मूली लेंगे। इन सबको छील के धुल के साफ कर लिया है। अब करेंगे पहले मूली को कद्दूकस। कद्दूकस हम बारीक या मोटा कैसा भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। अब इसको हम इकट्ठा करके दबाकर जो भी इसमें जूस निकलेगा उसको बाहर कर देंगे। क्या है कि हम स्टफिंग वाले पराठे बना रहे हैं, अगर हम इसका पानी बाहर नहीं करेंगे तो स्टफिंग भरने में पराठा फटेगा, पराठा सही से नहीं बनेगा। ये मूली का जूस निकाल दिया है, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर डाल के इसको पी सकते हैं, ये हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मूली को साइड में रख देंगे। अब लेंगे गाजर, गाजर को भी कद्दूकस करेंगे। गाजर को कद्दूकस करने के बाद इसका भी हम दबाकर जूस निकाल देंगे, जो भी इसमें जूस है उसे बाहर कर देंगे। गाजर का जो भी जूस निकलेगा उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसको पीने में यूज लेंगे। क्या है, गाजर बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए, ये विटामिन ए से भरपूर होती है। पहले इसे छलनी से छान लेंगे, फिर इसमें काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसको पिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गाजर को साइड में रख देंगे। अब हम करेंगे चुकंदर को कद्दूकस। चुकंदर को भी हमने ग्रेट कर लिया है, इसका भी दबाकर हम जूस निकाल देंगे। इसमें तो और ही ज़्यादा रेड रेड जूस निकलता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। इसको भी अब एक छलनी से छान लेंगे। गाजर, मूली, चुकंदर का जूस निकाल के साइड में रख लिया है, इस जूस को हम फेंकेंगे नहीं, इसको पी सकते हैं। अगर पीना नहीं चाहते आप तो इसको आटे में गूंथ कर रोटी बना सकते हैं, दाल या सब्जी में डाल सकते हैं। अब हम पराठा बनाने के लिए आटा गूंथेंगे। ये 2 कटोरी आटा लिया है। आटे में पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे तेल 2 बड़े चम्मच। तेल डालने के बाद भी आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तेल और आटा पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, इसको गूंथेंगे, इसका सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। जितना सॉफ्ट आटा होगा पराठा उतना ही अच्छा बनेगा, फूलेगा भी ज़्यादा, फटेगा भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे तो पराठा फटने का ज़्यादा चांस रहता है। हो सके जितना आप सॉफ्ट आटा लगा सकें उतना सॉफ्ट लगाएं। आप देख सकते हैं ये मैंने कितना सॉफ्ट आटा लगाया है, इसको इधर से उधर पलट रही हूँ तो ऐसे ही चल रहा है। आटे को साइड में रख देंगे। अब बनाएंगे हम स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए एक बाउल लिया है, इसमें गाजर डालेंगे, कद्दूकस की हुई, मूली और चुकंदर, सभी को डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया, इन सबको डाल देंगे इसमें। और इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे बारीक पिसा हुआ धनिया साबुत, हो सके तो धनिया की मात्रा ज़्यादा रखें, धनिया पानी को सोखेगा। और इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला सब्जी पूरी तरह से मिक्स हो जाए। चम्मच से आप मिक्स करना चाहते हैं तो चम्मच से भी, हो सके तो हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाथ से क्या है कि मसाला और सब्जी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, उनमें मसाला अच्छे से चिपक जाएगा, इसलिए दबा दबा के मिक्स करें। हाथ से दबाने से सब्जी सॉफ्ट भी हो जाती है, जो भी हरी सब्जी कच्ची कट करके डालते हैं उसे हाथ से दबाएंगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट होगी, मसाला में मिक्स होगी। अब देख सकते हैं आप पहले से इसका कलर कितना चेंज हो गया, चुकंदर ने पूरा रंग छोड़ दिया। इसको साइड में रख देते हैं। अब बनाते हैं पराठा। पराठा बनाने के लिए एक लोई लेंगे, उस पर सूखा आटा डालेंगे। अब इसको कटोरी जैसा बना लेंगे गोल, इसके अंदर अब स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। डालने के बाद इसको अंगूठे से ऐसे साइड से दबाते जाएंगे, इसको एक सर्कल टाइप में ये बीच का आटा इसका अलग कर देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। अब इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा दबाव डाल के नहीं बेलना है क्योंकि ये भरा हुआ पराठा है। ये देखिए पराठा पूरा बनकर रेडी हो गया, इतना पतला रखना है। गैस पर तवा को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तवा गर्म हो गया है, उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है पहले से,
पराठा चिपके नहीं। अब इस पर पराठा डाल देंगे। डालने के बाद इसको गैस का फ्लेम रखेंगे हम मीडियम टू हाई, बीच बीच में एक से दो बार पलटेंगे। हल्का सा सिक गया है, अब इस पर घी लगाएंगे। पहले एक तरफ लगाएंगे, फिर पलट कर दूसरी तरफ घी लगाएंगे, फिर इसको पलटे की मदद से दबा दबा के सेकेंगे। ये देखिए चारों तरफ से फूल रहा है, पराठा अच्छे से पक गया है। अब इसको हटा देते हैं, इसको साइड में रख देंगे। अब दूसरा पराठा बनाऊंगी। दूसरे पराठे में भी कुछ अलग नहीं है। ये देखिए मैंने बड़ी लोई को कटोरी टाइप का बना लिया है, इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे दबा दबा के। अब इसको सर्कल शेप में बंद कर देंगे और इसका बीच का आटा हटा के फिर लोई को हाथ से दबाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, फिर से इसको बेलेंगे। रोटी जितना बेल लिया है, जब भी आप पराठा किसी भी चीज़ का भरमा पराठा बनाएं, आप आटा सॉफ्ट रखें। जितना आटा सॉफ्ट होगा उतना ही पराठा मुलायम बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिर से याद दिला देती हूँ, आपको यदि पराठा बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। मिक्स वेजिटेबल पराठे बन गए हैं, पराठा पूरा अच्छे से पक गया है और बाकी सभी पराठे को भी पका लिया है। अब मैं आपको एक पराठे की लेयर खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फूला ये पराठा। आप इस पराठे को दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, पोषक तत्वों से भरपूर ये पराठा बनकर तैयार हो गया। आप इसे बच्चों के लंच में डाल सकते हैं। तो लीजिए, ये हेल्दी आयरन से भरपूर पराठा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको पराठा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।